नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रिया ट्रैवल लाइन में। खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। वक्त के साथ उसमें बहुत से बदलाव होते रहते हैं। लोगों की जेब भारी होनी शुरू हुई तो पसंद के मुताबिक उन्होंने बाहर जाकर खाना शुरू किया। बाज़ार में बहुत तरह के रेस्टोरेंट की बाहर सी आ गई है। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो इतिहास बन गए हैं। ऐसे ही रेस्टोरेंट में एक है स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख का हॉस हिल्ट, जो पिछले 100 साल से आबाद है और इसने पूरे यूरोप के खाने के अंदाज को बदल दिया। ये खालिश शाकाहारी रेस्टोरेंट है। हॉस हिल्ट ज्यूरिख का सबसे मशहूर और खाने के शौकीनों का पसंदीदा रेस्टोरेंट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट होने का खिताब हासिल है। इसकी शुरुआत ज्यूरिख के हिल्ट परिवार ने 1898 में की थी। तब से अब तक इस परिवार की ना जाने कितनी पीढ़ियां अपने पुरखों की विरासत संभालते हुए कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं। शुरुआती दौर में यहां सिर्फ ज्यूरिख के स्थानीय पकवान ही मिला करते थे। इनमें आलू और जड़ वाली सब्जियां शामिल होती थी, लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ियों ने इसकी बागडोर संभाली, इस रेस्टोरेंट ने सरहदों की दीवारें तोड़ दी। आज यहां हिंदुस्तान, एशियन, मेडिटेरियन और स्विट्ज़रलैंड के तमाम शाकाहारी पकवान मिलते हैं। हॉस हिल दो मंजिला इमारत वाला रेस्टोरेंट है। इसकी पहली मंजिल पर एला कार्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ खाने के इंतज़ाम के साथ साथ कुकिंग की ढेरों किताबें भी मौजूद हैं। पिछले एक दशक में हिल रेस्टोरेंट ने पूरे ज्यूरिख में अपने करीब 8 फ्रेंचाइजी खोल ली है। ज्यूरिख के लोग मुख्य रूप से मांस खाने के शौकीन हैं। ऐसे में एक शाकाहारी रेस्टोरेंट का इतने बड़े पैमाने पर सिक्का जमाना अपने आप में बड़ी बात है। द कलिनरी हेरिटेज ऑफ स्विट्ज़रलैंड के लेखक और पेशे से पत्रकार पॉल इमहाफ का कहना है कि जब 29वीं सदी में ये रेस्टोरेंट कायम हुआ तो यहाँ के पैसे वाले वर्ग के बीच सब्जियों के शौकीनों को निचले स्तर का माना जाता था। उन्हें घास फूस खाने वाला कहकर चिढ़ाया जाता था। पूरे यूरोप में मुख्य रूप से सुअर और बछड़े का गोश्त ही खाया जाता था। इसका ताल्लुक आर्थिक और सामाजिक स्तर से भी जुड़ा था। सब्जियों के नाम पर पनीर, आलू और जड़ वाली सब्जियां ही खाई जाती थी। हिल रेस्टोरेंट के कायम होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि एम्ब्रोस स्विस हिल्ट नाम के दर्जी को गठिया का मर्ज था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसे ज्यादा दिनों तक जीना है तो गोश्त खाना छोड़ना होगा। ये बात 1890 की है। उन दिनों ज्यूरिख में बिना गोश्त का खाना शायद ही कहीं मिलता था। एब्स्टिनेंस नाम का सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट था जहां सब्जियों के कुछ पकवान मिला करते थे। यहां खाना खाने के बाद एम्ब्रोस स्विस हिल्ट की शाकाहारी भोजन में दिलचस्पी बढ़ने लगी। ये रेस्टोरेंट बहुत ही खस्ता हाल था। एम्ब्रोस स्विस हिल्ट ने 1904 में इसे खरीद लिया और इस रेस्टोरेंट की कुर्क माथान से शादी कर ली और फिर रेस्टोरेंट का नाम बदलकर हॉस हिल्ट कर दिया। जिस साल एम्ब्रोस स्विस हिल्ट ने यह रेस्टोरेंट खरीदा, उसी साल स्विट्ज़रलैंड में प्रकृति के नज़दीक आने, पौष्टिक और संतुलित भोजन खाने की मुहिम छिड़ गई। डॉक्टर मैक्सिमिलियन बिर्शर बेनर ने मीट फ्री खाने के लिए मुहिम छेड़ दी। इसके बाद लोगों का रुझान पौष्टिक खाने की ओर झुकने लगा और हिल्ट रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि शुरुआती दौर में इस रेस्टोरेंट को चलाने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, फिर हालात बदलने लगे। 1951 में रेस्टोरेंट का मौजूदा रूप सामने आया। असल में 1951 में ही एम्ब्रोस स्विस की बहू वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस के लिए स्विट्ज़रलैंड के सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली आई थी। यहाँ उन्हें हिंदुस्तानी खानों का जायका इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वापस अपने देश जाकर खुद के रात के खाने के लिए भारतीय पकवान बनाने शुरू कर दिए। वो दिल्ली से धनिया, हल्दी, जीरा, इलायची बड़ी मात्रा में साथ में ले गई थी। यही नहीं, वो यहाँ से बहुत से पकवान बनाने का तरीका भी सीख कर गई और अपने रेस्टोरेंट के रसोइयों को भी उन्होंने बनाना सिखा दिया। और देखते ही देखते इनके रेस्टोरेंट में भारतीयों की भीड़ जुटने लगी।
यहाँ तक कि जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्विट्जरलैंड गए तो उन्होंने भी यहाँ भारतीय खानों का लुत्फ लिया। और जब स्विस एयरलाइंस ने हॉर्स हिल्ट की मदद से अपने यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसना शुरू किया तो इससे ये रेस्टोरेंट दुनिया भर में मशहूर हो गया। जिस वक्त हॉर्स हिल्ट कायम हुआ था उसके आसपास बहुत सा जंगली इलाका था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई विकास होता गया, हॉर्स हिल्ट का और विस्तार हो गया। 1960 का दशक आने तक लोगों के खाने के तरीके और जायके में बहुत बदलाव आ चुका था। शाकाहारी खाने में लोग तरह तरह के तजुर्बे करने लगे थे। ऐसे में नौजवान पीढ़ी को आकर्षित करना और उसे बनाए रखना चुनौती था। लिहाजा 1973 में हाइज हिल्ट ने रेस्टोरेंट में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। इसका नाम था हिल्ट वेजी, जिसके तहत रेस्टोरेंट में कई तरह के सलाद बार, टैक, अवे काउंटर और जूस काउंटर खोले गए। ज्यूरिख के लिए ये एक नया बदलाव था। हॉर्स हिल्ट की खासियत यही है कि यहाँ नए नए तजुर्बे होते रहते हैं। रॉल्फ का कहना है कि सबसे दिलचस्प बात है कि रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट में उन्हें सब्जियों में से ही वो जायका मिल जाता है जो मांसाहारी पकवानों में होता है। 2015 में हॉर्स हिल्ट के ही 5वीं मंजिल पर द हिल्ट अकेडमी खोली गई। यहाँ शाकाहारी खाने के शौकीन और प्रोफेशनल शेफ शाकाहारी डिश बनाना सीखते हैं। यहाँ एक कोर्स मार्गरीटा की इंडियन रेसिपी पर आधारित है। रॉल्फ ने खुद भी बहुत सी कुकिंग बुक्स लिखी है। अब न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसी जगहों पर भी फ्लैगशिप रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रिया चावल लाइट।